नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके आती, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम है, रेलवे, बैंक, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम है, पुलिस का, सीटी, पीटी, कोई बैंक का एग्जाम हो, फोर्स का एग्जाम या फिर कोई इंट्रेंस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, PDF प्राप्त करें। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्लास में सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप लेवल के सिलेक्टेड, क्लास को कंप्लीट लेना है अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इस क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है। देखिए, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क? तो ये है दोस्तों असम राज्य में। किस राज्य में अवस्थित है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क? असम राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ए माइंड समर नाइट्स ड्रीम्स के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना, विलियम शेक्सपियर हैं, ए माइंड समर नाइट्स ड्रीम्स के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विलियम शेक्सपियर, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, हेलमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हेलमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस खेल में? क्रिकेट में किया जाता है हेलमेट शब्द का प्रयोग, ठीक है। हेलमेट शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है? तो वह क्रिकेट खेल में किया जाता है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। नेक्स्ट, मांडी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांडी लोक नृत्य जो है ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? गोवा राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों मांडी लोक नृत्य। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गोवा। नेक्स्ट, चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चीन देश की मुद्रा का नाम दोस्तों युआन है। क्या नाम है? युआन नाम है चीन देश की मुद्रा का। क्या नाम है दोस्तों? युआन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश की मुद्रा का नाम है युआन। नेक्स्ट, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो में है। मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? मुद्रा का नाम है येन, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 8 नवंबर। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक है कपिल देव। कौन है दोस्तों? कपिल देव है फ्रीडम ऑफ द हार्ट पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, कपिल देव। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया? तो दोस्तों सिक्किम राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, थर्ड मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट खेल में किया जाता है थर्ड मैन शब्द का प्रयोग। किस खेल में? क्रिकेट में। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट, सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो
तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से, किस खेल से है सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध, तो क्रिकेट से है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रिकेट बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 नवंबर को, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 10 नवंबर। नेक्स्ट, द लास्ट रेस के लेखक कौन है, द लास्ट रेस के लेखक है टॉम अल्टर, टॉम अल्टर है दोस्तों द लास्ट रेस के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर टॉम अल्टर। नेक्स्ट है, मुकुरुथी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो मुकुरुथी नेशनल पार्क है तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में अवस्थित है मुकुरुथी नेशनल पार्क, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों अवस्थित है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है, टका नाम है दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर टका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 में, 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1911 में हुई भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। नेक्स्ट है, स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक है मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी हैं स्पीकर्स डायरी पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई। जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। जी हाँ, देखिए, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई, तो तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू की गई। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट, कॉर्नर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, हॉकी खेल में किया जाता है कॉर्नर शब्द का प्रयोग, किस खेल में, हॉकी में। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हॉकी। नेक्स्ट, मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है मधुमेह दिवस। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 नवंबर। नेक्स्ट, भूतकोला लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भूतकोला जो लोक नृत्य है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का, कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, टॉप क्वेश्चंस के साथ क्लास है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास से फंसने की गारंटी है आपके एग्जाम में, फंसेंगे पूरी संभावना है, तो क्लास को कंप्लीट लेना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है दोस्तों, कहां पर है, नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट है, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है, तो डायना इदुलजी है क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला, डायना इदुलजी। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर डायना इदुलजी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायना इदुलजी। नेक्स्ट, लाइन्समैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो लाइन्समैन शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस खेल में, हॉकी में किया जाता है लाइन्समैन शब्द का प्रयोग। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर हॉकी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों हॉकी से संबंधित है पर जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हॉकी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है कठपुतली, कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान राज्य का। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोरक्को की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, मोरक्को देश की मुद्रा का नाम दिरहम है, क्या नाम है, दिरहम, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दिरहम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, राजीव गांधी हवाई अड्डा,
जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में है राजीव गांधी हवाई अड्डा। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 17 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 17 नवंबर। नेक्स्ट है, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों टाइगर वुड्स है। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, टाइगर वुड्स। नेक्स्ट, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान देश की राजधानी तेहरान में है दोस्तों। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान में है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ईरान की राजधानी तेहरान में है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों तो विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व नागरिक दिवस। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 19 नवंबर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, करगा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? करगा लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है ना। करगा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, करगा लोक नृत्य। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, नाइजीरिया की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों नाइजीरिया की मुद्रा है नेरा। नेरा नाम है नाइजीरिया देश की मुद्रा का। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नेरा। नेक्स्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक दोस्तों बेनजीर भुट्टो हैं। कौन है? बेनजीर भुट्टो हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेनजीर भुट्टो। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोटेशन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल खेल में किया जाता है रोटेशन शब्द का प्रयोग। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वॉलीबॉल। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 19 नवंबर। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है दोस्तों। कहाँ? मुंबई में है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बीसी राय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है दोस्तों ये, तो याद रखना फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट है, इसराइल देश की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम में है इसराइल देश की राजधानी। इसराइल देश की राजधानी जेरूसलम में है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेरूसलम। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? 2020 पुस्तक के लेखक दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 26 नवंबर। देखिए नेक्स्ट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो याद रखेंगे सभी, कौन है? नीता अंबानी है दोस्तों। कौन है? नीता अंबानी है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नीता अंबानी। नेक्स्ट, इथोपिया की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों इथोपिया की मुद्रा है बिर।
बिर नाम है इथोपिया देश की मुद्रा का, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बिर डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुपर चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो सुपर चैलेंज कप का संबंध है वॉलीबॉल से, किससे, वॉलीबॉल से है सुपर चैलेंज कप का संबंध, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वॉलीबॉल, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मर्दाल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, मर्दाल लोक नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है मर्दाल लोक नृत्य, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, नेट फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेल में किया जाता है नेट फॉल्ट शब्द का प्रयोग, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वॉलीबॉल, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाइजीरिया की राजधानी का नाम क्या है, नाइजीरिया की राजधानी का नाम दोस्तों अबुजा है, क्या नाम है, अबुजा नाम है नाइजीरिया की राजधानी का, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अबुजा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना कोलकाता में स्थित है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट, द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक कौन है, द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक है मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर है द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 21 नवंबर। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में अवस्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, कौन है, मीरा कुमार है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीरा कुमार। नेक्स्ट है, राउफ लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है राउफ लोक नृत्य, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राउफ लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोत्सवाना की मुद्रा का नाम क्या है, तो दोस्तों बोत्सवाना की मुद्रा का नाम पोला है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर पोला। नेक्स्ट है, बूस्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, बूस्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में किया जाता है, याद रखना बूस्टर शब्द का प्रयोग, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर वॉलीबॉल। नेक्स्ट, बर्नाबेले कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो बर्नाबेले कप का संबंध है टेबल टेनिस से, किससे है दोस्तों, टेबल टेनिस से है बर्नाबेले कप का संबंध, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेबल टेनिस। नेक्स्ट, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में है दोस्तों, कहाँ पर है, विक्टोरिया में है सेशेल्स की राजधानी, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर विक्टोरिया। नेक्स्ट, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर दोस्तों, चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, चेन्नई में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फांगपुई नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम राज्य में अवस्थित है दोस्तों, किस राज्य में, मिजोरम राज्य में अवस्थित है फांगपुई नेशनल पार्क, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिजोरम, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कुडियट्टम लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, कुडियट्टम लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है कुडियट्टम लोक नृत्य, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जाम्बिया की मुद्रा का नाम क्या है, जाम्बिया की मुद्रा का नाम है काचा, काचा नाम है जाम्बिया देश की मुद्रा का, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर काचा। नेक्स्ट,
देखिए, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में किया जाता है। दोस्तों किस खेल में किया जाता है स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग? फुटबॉल खेल में किया जाता है स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट है, ओलंपिक के जिमनास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम महिला कौन है? क्लास को लाइक ने क्या लाइक करें, शेयर ने क्या शेयर करें। टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास है, रोज आप क्लास में ये तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों जीके, आप यहां से मजबूत कर सकते हैं, इतना मजबूत कि आपको जीके कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रोज क्लास में आइए। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दीपा कर्माकर है। दोस्तों कौन है? दीपा कर्माकर है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लखनऊ में। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों किससे है याद रखिएगा, टेनिस से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टेनिस। नेक्स्ट है, हिकात लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक हैं जे एम केन्स। जे एम केन्स हैं एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जे एम केन्स। नेक्स्ट, फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो फुटबॉल में किया जाता है फ्री किक शब्द का प्रयोग। ठीक है, फ्री किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में किया जाता है। नेक्स्ट, मोलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रवांडा की राजधानी का नाम क्या है? रवांडा देश की राजधानी का नाम है किगाली। क्या है दोस्तों? किगाली नाम है रवांडा देश की राजधानी का। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किगाली। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव है। स्नेहलता श्रीवास्तव यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुमायूं झूला लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है, कुमायूं झूला लोक नृत्य। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। दोस्तों कहाँ है? अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, अल्जीरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिनार नाम है दोस्तों अल्जीरिया की मुद्रा का। अल्जीरिया देश की मुद्रा का नाम है दिनार। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिनार। नेक्स्ट है, देखिए कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बैडमिंटन से है कोनिका कप का संबंध। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रेफरी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों तो रेफरी शब्द का प्रयोग किया जाता है किस खेल में? फुटबॉल में किया जाता है रेफरी शब्द का प्रयोग। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रेफरी शब्द का प्रयोग फुटबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? सेनेगल की राजधानी कहाँ है? दोस्तों डकार में है सेनेगल की राजधानी। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डकार। नेक्स्ट, कुनो नेशनल पार्क
किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कोनो नेशनल पार्क को किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है कोनो नेशनल पार्क। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। तो भी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों मिताली राज हैं। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन खेल से है थॉमस कप का संबंध। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर बैडमिंटन। नेक्स्ट है, झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झोरा लोक नृत्य उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है झोरा लोक नृत्य। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट है, ग्रीस देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो ग्रीस देश की मुद्रा का नाम दोस्तों यूरो है। क्या नाम है? यूरो नाम है ग्रीस देश की मुद्रा का। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूरो, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है फ्रांस देश की राजधानी। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, सिलेक्शन लेना है रोज क्लास में आना पड़ेगा दोस्तों। याद रखिएगा फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों, अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्त देखिए, आपको फ्री क्लास दे रहे हैं साथ में फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो क्लास को लाइक बनते हैं ना, तो सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें। रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए, कभी भी क्लास को आप मिस मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ रोजाना क्लास में आइए। अगर सुबह वाली क्लास आप सुबह नहीं देख पाते, दोपहर में, शाम को, नाइट में, जब भी टाइम मिले आप दोस्तों क्लास को कवर कर लिया करें, ठीक है। देखिए, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये झारखंड राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में अवस्थित है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में अवस्थित है कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध है बास्केटबॉल से। किस खेल से है दोस्तों? बास्केटबॉल से है अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी का संबंध। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क? त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट है, प्रथम महिला मेयर कौन है? प्रथम महिला मेयर ताराचेरियन, ताराचेरियन प्रथम महिला मेयर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर ताराचेरियन। नेक्स्ट है, धापाल लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? धापाल लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है धापाल लोक नृत्य। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट है, डेनमार्क देश की मुद्रा का नाम क्या है? डेनमार्क देश की मुद्रा का नाम दोस्तों क्रोन है। क्रोन नाम है डेनमार्क देश की मुद्रा का। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रूस देश की राजधानी मास्को में है। कहाँ है? मास्को में है रूस देश की राजधानी। नेक्स्ट, राइडर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से है राइडर कप का संबंध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर गोल्फ। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप
पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।